देखिए, समाजवादी पार्टी किसी के लिए खतरा नहीं हो सकती है। उन्हें परेशानी ये है कि जब से स्वामी प्रसाद मौर्य जी साथ हैं, जब से अवधेश प्रसाद जी एक्टिव हो गए हैं, ये हमारी पार्टी बहुत मजबूती से जमीन पे काम करने लगी है, तो उनका जो कुर्सी का चक्कर है उसके लिए घबराने लगे हैं। समाजवादी पार्टी उनसे बहुत प्रेम करती है, लेकिन समाजवादी पार्टी ये जानती है वो कितने भी अपमानित हो जाएंगे, कितना भी उनके साथ अपमान वाला व्यवहार होगा, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी नहीं छोड़ेंगे। सर, बीजेपी ये प्रोग्राम चलाने जा रही है मन की बात को उर्दू में ट्रांसलेशन करने जा रही है, और एक राष्ट्र एक डीएनए, ताकि जो अल्पसंख्यक वोट बैंक है उसको एकजुट करे। ये न केवल भाषा, भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से उर्दू की तरफ जा रही है, जिसने खासकर मुसलमान भाइयों को अपमानित किया हो, और केवल राजनीति उत्तर प्रदेश में ये है कि मुस्लिम को तबाह कर दो, परेशान कर दो, हिंदू मुस्लिम की खाई पैदा कर दो, वही लोग कैसे उर्दू की भाषा को समझेंगे। उर्दू मिलाती है, उर्दू भारतीय भाषा है, उर्दू हमारे एक दूसरे के सम्मान की भाषा है, क्योंकि वोट उन्हें चाहिए, इसलिए कुछ तो दिखावा करना ही होगा उन्हें। 2024 को लेकर जो फ्रंट की बात हो रही थी, बार बार ये सवाल हो रहा है, अभी आगे और किससे मुलाकात करेंगे आप? देखिए, समाजवादी पार्टी अब जमीन पे ज्यादा काम करेगी, और मुझे उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को हटाएगी, क्योंकि उन्हें 17 बजट का हिसाब किताब भारतीय जनता पार्टी को देना है। अभी जो 3 राज्यों में चुनाव होने वाला है, जहां हमारा संगठन होगा वहां कोशिश करेंगे हम लोग चुनाव लड़ें। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।